हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, आइए बात करते हैं सिनकॉम फॉर्मुलेशन के बारे में, जो कि लगातार गिर रहा है और अभी आज भी 7% का डाउनफॉल देखने को मिला हमें। 8.45 पे क्लोज हुआ है, जबकि इसका 52 वीक हाई था 19.50, तो बहुत अच्छे रेट में मिल रहा है। सवाल यह है कि इतना गिर क्यों रहा है। फ्रेंड्स, आप जानते हैं सिनकॉम फॉर्मुलेशन पर डेट भी कम है, EPS ठीक ठाक है, उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। सवाल यह है कि ये गिर क्यों रहा है और लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। फ्रेंड्स देखिए, इसका जो क्वार्टर फोर का रिजल्ट है वो आने वाला है 18 मई को, और उसके अंदर डिपेंड करेगा कि वो रिज़ल्ट अच्छा आएगा तो शेयर भागेगा, बुरा आएगा तो और गिर सकता है। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि रिज़ल्ट ख़राब आ सकता है, वो डर के मारे भी लोग बेच देते हैं क्वार्टर रिज़ल्ट के पहले। बट अगर हम लोग उसकी हिस्ट्री देखेंगे सिनकॉम फॉर्मुलेशन के क्वार्टर रिज़ल्ट की, लास्ट मार्च 2021 में इसका प्रॉफिट था 6.95 करोड़ रुपीज़, एंड दिसंबर 21 में प्रॉफिट था 4.01 करोड़ रुपीज़। तो और जनरली बीच में के जितने भी अगर आप लोग क्वार्टर रिजल्ट देखोगे तो जनरली 5 करोड़ का प्रॉफिट तो सिनकॉम फॉर्मुलेशन को होता ही है। सिर्फ क्वार्टर 3 का रिजल्ट था जिसमें 4 करोड़ का इनका प्रॉफिट आया है दिसंबर क्वार्टर में। तो 18 मई को इसका रिजल्ट आने वाला है, और अगर वो रिज़ल्ट 5 करोड़ से 6 करोड़ के बीच में अगर प्रॉफिट आता है इनका, जो कि इनका एवरेज प्रॉफिट 5 करोड़ के ऊपर ही आता है, तो हम अगर हम लोग अज्यूम करते हैं या एक्सपेक्ट करते हैं कि 5 करोड़ से 6 करोड़ का अगर नेट प्रॉफिट आता है क्वार्टर फोर का, तो यही शेयर फिर से रॉकेट बनकर ऊपर जाना शुरू कर सकता है। तो जिन लोगों को कॉन्फिडेंस होगा कि 5-6 करोड़ का प्रॉफिट आएगा, वो लोगों के लिए बाय करने की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 8 रुपीज़ का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इस शेयर के रेट को। मतलब 8 रुपीज़ के नीचे जाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। कंसोलिडेट करेगा जब तक 18 मई के तक, और रिजल्ट के बाद ही अगला मोमेंट होगा। अगर रिजल्ट अच्छा आया तो फिर से रिकवर करना शुरू करेगा, और अगर रिजल्ट ख़राब आया तो नीचे भी जा सकता है। मार्केट थोड़ा वीक होने के कारण भी गिरा है, ऐसा कोई बैड न्यूज़ नहीं है सिनकॉम फॉर्मुलेशन में, पर थोड़ा सा डर के मारे भी लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों ने कम रेट में लिया होगा, 5-6 रुपीज़ में, 4 रुपीज़ में या 7 रुपीज़ में, तो लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। आपके पास सिनकॉम फॉर्मुलेशन के शेयर कितने हैं, क्या रेट मिली है, कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपको क्या लगता है क्वार्टर फोर का रिजल्ट कैसा आएगा सिनकॉम फॉर्मुलेशन का, बेस्ट आएगा, मतलब 5-6 करोड़ का आएगा कि इससे 4 करोड़ से नीचे जाएगा, कमेंट करके आप ज़रूर बताना। बट अगर हम लोग इसकी हिस्ट्री देखें तो 5 करोड़ के आसपास आता ही है, तो अगर एक पाँच क्वार्टर में 5 करोड़ के आसपास आ गया तो शेयर में रिकवरी होगी और मार्केट चलेगा, तो यही शेयर आपको 15 रुपीज़ से 20 रुपीज़ के लेवल भी दिखा सकता है। तो इसीलिए थोड़े थोड़े शेयर्स आप ज़रूर बाय कीजिए। सिनकॉम फॉर्मुलेशन कोई ख़राब कंपनी नहीं है, पेनी स्टॉक में वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक है टू बाय एंड होल्ड। तो इसीलिए अगर अभी मिलता है आपको 8 रुपये के आसपास या 9 रुपये के आसपास, तो थोड़े थोड़े शेयर आप एवरेज करके बाय कर सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं 3-4 मंथ्स में। अगर इसका क्वार्टर फोर रिजल्ट अगर 4 करोड़ के आसपास भी आता है, मतलब 4 करोड़ से नीचे नहीं आना चाहिए, सिर्फ 4 करोड़ भी आ गया तो भी मार्केट चलेगा, तो कम से कम 12 से 15 रुपये का रेट तो आपको दिखाई देगा। तो आप वो हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाकर बाइंग कीजिए। और जिन लोगों ने होल्ड किया हुआ है, जो लोग तो अगर आपको कॉन्फिडेंस होगा रिजल्ट अच्छा आएगा, तो 18 मई तक तो होल्ड करना ही चाहिए आपने, क्योंकि उसके बाद में शेयर का अगर क्वार्टर फोर रिजल्ट अच्छा है तो रिकवर भी होगा। तो डिसीजन आपको लेना है कि अभी होल्ड करना है या सेल करना है, बट बाइंग करने के लिए अच्छा लेवल मिल रहा है, तो ज़रूर स्टडी कीजिए सिनकॉम फॉर्मुलेशन को एंड टेक योर डिसीजन अबाउट इट। थैंक यू फ्रेंड्स।